कुछ ना कुछ लेकर ही लौटोगे। तो मांगना हो तो भगवान से प्रेम मांगो, भगवान की भक्ति आप मांगो कि बार बार बर मांगहूं हर्षदयो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु ऐसी कृपा करो बस आपकी अनुपायनी भक्ति हमको मिले, आपका सत्संग हमको मिले, ये भगवान से मांगो। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भगवान मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, देना हो तो बस यही दो कि कामानाम हृदय संरोहम वरदस्तो व्रणेवरम। भगवान मैं इतना चाहता हूं कि आप मेरी सारी कामनाओं को ही अंदर से निकाल दो, यही वरदान दो। ये बात सुनकर भगवान बोले कि नहीं नहीं प्रहलाद, तुझे कुछ और भी मांगना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। भगवान बार बार कह रहे हैं कि कुछ मांग ले मेरे से। जब बार बार कहा तो भगवान की आज्ञा का पालन करना है ना भक्त को, तो प्रहलाद जी ने फिर एक वस्तु भगवान से मांगी। हम देखें क्या मांगा। भगवान जब बार बार कहने लगे कि कुछ मांग ले कुछ मांग ले, तो अंत में प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान जब इतना आप बार बार कह रहे हो तो फिर एक कृपा और आप करो। बोले बेटा मांग, क्या चाहिए? प्रभु आप मुझे बताओ, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, जो आपको गाली देता है, जो आपसे द्वेष करता है, भगवान हमने सुना है कि उसको नरक में जाना पड़ता है। भगवान ने कहा कि बेटा ये तो बिल्कुल ठीक है, जो मुझे गाली देगा जो मेरे से ईर्ष्या करेगा वो तो नरक में जाएगा। तो प्रहलाद जी रोते हुए भगवान को बोले कि भगवान फिर एक कामना और है, ये मेरा पिता हिरण्यकश्यप जो आपके चरणों में मरा पड़ा है, ये दिन रात आपको गाली देता था, आपसे बहुत ईर्ष्या करता था, आपके नाम का तिरस्कार करता था। भगवान तो एक कामना आपके चरणों में है कि चाहे कैसा भी था लेकिन था तो मेरा पिता, आप मेरे पिता को नरक में मत डालना प्रभु, इतनी कृपा कर दो। ये बात सुनकर नरसिंह भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले कि वाह प्रहलाद, अरे जिस पिता ने तुझे इतना कष्ट दिया, तेरे साथ क्या क्या नहीं किया, कल आपने सुना था जहर भी दिया, अग्नि में जलाने का प्रयास भी किया, पहाड़ से भी फेंका, क्या कष्ट नहीं दिया प्रहलाद को जिस पिता ने, और उस पिता के लिए प्रहलाद जी कह रहे हैं कि इसको नरक में मत डालना। तो नरसिंह भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि प्रहलाद जी को बोले कि त्रिशप्त भी पिता पोता पितृ भी सहते नघ, हे प्रहलाद तू केवल अपने पिता की बात करता है, आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं कि आज से मैंने सारे तेरे कुल को ही पवित्र कर दिया है, तेरी 21 पीढ़ियों को मैंने तार दिया है, तेरे कुल में मेरा कोई कितना भी अपराध करेगा मैं उसे अपनी ओर से कभी नहीं मारूंगा, जा आज से मैंने तेरे कुल को पवित्र कर दिया। भगवान वही कुल पावन। बंधुओं जिस घर में प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो जाए वो तो पीढ़ियों को तार देता है, सारे कुल को पवित्र कर देता है। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने अपने परम भक्त प्रहलाद पर कृपा की बंधुओं, और कृपा करके भगवान अंतर ध्यान हुए। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। आगे फिर त्रिपुर के दाह का प्रसंग सुखदेव जी ने वर्णन किया है संक्षिप्त में, और 5 अध्यायों में कर्म पंचाध्यायी का वर्णन भागवत में किया गया। अष्टम स्कंद का प्रारंभ यहां से हो रहा है, और जिस अष्टम स्कंद में मन्वंतरों की कथा आई है आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। 14 मनु होते हैं बंधुओं, और 14 मन्वंतरों का वर्णन इस अष्टम स्कंद में सुखदेव जी ने किया है। सबसे पहले मनु थे स्वयंभू मनु,
दूसरे मनु थे स्वरोचिष, तीसरे थे उत्तम, ये महाराज प्रियव्रत के पुत्र थे, और चौथे मनु थे तामस, ये भी महाराज प्रियव्रत के पुत्र थे। ये जो तामस मन्वंतर है परीक्षित, इसी तामस मन्वंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया था, और हरि अवतार लेकर उस गजेंद्र को ग्राह से प्रभु ने छुड़ाया था। ये बात सुनकर महाराज परीक्षित बड़े गदगद हो गए और बोले कि हे सुखदेव जी, आप थोड़ा यहीं रुक जाइए, आगे मन्वंतरों की कथा मैं पीछे सुनूंगा, पहले आप मुझे कृपा करके ये गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग सुनाइए, मैं इस हरि अवतार की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो यहां सुखदेव जी महाराज इस सुंदर प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं, कैसे प्रभु ने हरि अवतार लिया। कि आसीद गिरिवरो राजन स्त्रिकोट इति विश्रुतः क्षीरोदेना व्रतः श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रितः। हे परीक्षित, एक त्रिकूट पर्वत क्षीर सागर के एकदम मध्य में था, ध्यान देकर सुनिए, बहुत विशाल पर्वत जिसका नाम था त्रिकूट पर्वत। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः, ये जो त्रिकूट पर्वत था इसके तीन शिखर थे, तीन चोटियां, एक स्वर्ण का शिखर, एक चांदी का शिखर और एक लोहे का शिखर, ऐसा अद्भुत ये पर्वत था। और इस पर्वत के नीचे एक बड़ा सुंदर वरुण का उद्यान था, वरुण देवता का एक बहुत सुंदर उद्यान था, और उस उद्यान के मध्य में एक बड़ा अद्भुत सरोवर था। प्रेम से कहो श्री राधे, बहुत सुंदर सरोवर, और उस सरोवर से थोड़ा ही दूर उद्यान में एक गजेंद्र, एक हाथी अपने परिवार के साथ रहा करता था। जिस गजेंद्र की हथनियां थी बहुत सारी, छोटे छोटे बच्चे भी थे उसके। एक बार यही ग्रीष्म ऋतु पड़ रही थी, इस समय ग्रीष्म ऋतु चल रही है, जैसे अभी भयानक गर्मी है ऐसे ही उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तो उस गजेंद्र ने मन में सोचा कि क्यों ना आज सरोवर में स्नान करने के लिए जाएं, थोड़ा जल क्रीड़ा करेंगे, आनंद लेंगे। तो वो गजेंद्र अपनी उन हथनियों के साथ, बच्चों के साथ, सारे परिवार के साथ बड़ा मस्ती में झूमता हुआ, मदमस्त चाल से चलता हुआ उस सरोवर के किनारे आया है, और सरोवर में स्नान करने के लिए अंदर गया। बंधुओं, जल के अंदर प्रवेश करके बड़ा अद्भुत ढंग से जल क्रीड़ा का आनंद ले रहा था। कभी गजेंद्र अपनी सूंड में जल भरता है, अपनी हथनियों के ऊपर फेंकता है, कभी हथनियां सूंड में जल भरती हैं, गजेंद्र पर डालती हैं, बच्चों पर डालती हैं, इस प्रकार से जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। परंतु उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, एक मगरमच्छ, बड़ा विकराल, विशाल। जब उस ग्राह ने पानी में हलचल देखी, समझ गया कि आज कोई आया है, उसने तुरंत किनारे की ओर कूच किया और अंदर अंदर पानी के आया, किसी को मालूम नहीं चला, आकर उसने सीधे गजेंद्र के चरण को पकड़ लिया, चरणे रुषाग्रहीत, गजेंद्र के चरणों को पकड़ लिया उसने। अब तो महाराज गजेंद्र घबरा गया एकदम कि ये अचानक क्या हो गया, खूब पैर को छुड़ाने की कोशिश की उसने, लेकिन नहीं छुड़ा पाया, बार बार प्रयास करने लगा, पैर नहीं छुड़ा पा रहा, चिंघाड़ रहा है, बच्चों को, पत्नियों को, हथनियों को आवाज लगा रहा है। सब गजेंद्र के पास आई, देखा कि पैर को किसी ने पकड़ रखा है, सब घबरा गए। अब अपनी अपनी सूंड से गजेंद्र के पैरों को सब खींच रहे हैं मिलकर, सारा परिवार लग गया, लेकिन सब मिलकर भी गजेंद्र को नहीं छोड़ा पा रहे हैं। खूब जोर लगा लिया बंधुओं, कोई नहीं छोड़ा पा रहा।
जब बहुत देर हो गई तो एक एक करके अब सब छोड़ के गजेंद्र को जाने लगे, एक एक करके सब पीछे हटने लगे कि अब इसको कोई नहीं छुड़ा पाएगा, अब कोई नहीं बचा सकता, सब जाने लगे वहां से। बंधुओं याद रखना, ये जितनी भी कथा हम भागवत में सुन रहे हैं, हर कथा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, कोई ऐसी कथा नहीं है जो हमसे नहीं जुड़ी हुई, सब कथा हमारे जीवन में उतर रही है। विचार करो आप, ये गजेंद्र कौन है, ये सरोवर क्या है, ये ग्राह कौन है, ये जो सरोवर है ये सरोवर ही संसार है, इस संसार रूपी सरोवर में हम सब जीव ही गजेंद्र हैं, हम सब यहां पर आनंद लेने के लिए आए हैं, मस्त हो रहे हैं सब इस सरोवर में, इस संसार में सब खूब आनंद से स्नान कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, होश नहीं है किसी को भी। और ये ग्राह कौन है, ये ग्राह ही काल है, ये ग्राह हम सबके लिए बैठा हुआ है मुंह फाड़ के, और कभी भी आक्रमण कर सकता है। जैसे कि उस ग्राह ने गजेंद्र का चरण पकड़ा था, बंधुओं ये काल हमारा भी पहले पैर ही पकड़ता है, चरण ही पकड़ता है। जब काल का हमला होता है ना, सबसे पहले पैरों पर ही होता। कैसे? बोले चार घंटे कथा में चैन से बैठा नहीं जाता। प्रेम से कहो श्री राधे, हाँ पैरों पर ही काल का हमला होता है, कभी दाएं कभी बाएं, एक आसन से बैठ नहीं पाते हम। याद रखना बंधुओं, व्यक्ति के जीवन में तीन बार घंटियां बजती हैं, तीन बार घंटी बजेंगी, संभलना हो तो संभल जाना, और चौथा बजेगा घंटा। प्रेम से कहो श्री राधे। तीन घंटी कौन कौन सी हैं? पहली घंटी बज गई, बाल सफेद होने लगे, लेकिन कोई बात नहीं महाराज, घंटी बजती है तो बजने दो, आजकल तो बाजार में इतने प्रसाधन हैं, खूब लगाएंगे और बाल काले कर लेंगे, क्या परवाह है। ये पहली घंटी है। और दूसरी घंटी कौन सी? दूसरी घंटी बजी, बोले आंखों से दिखाई भी देना कम हो गया, ठीक से दिखाई नहीं देता। बोले कोई बात नहीं महाराज, चश्मा कब काम आएगा, चश्मा लगाएंगे आंखें फिर से जिंदाबाद, अब तो चश्मा भी नहीं, अब तो कॉन्टेक्ट लेंस चल गए हैं, लोग लेंस लगाते हैं, पता भी नहीं चलता आंखें कमजोर हैं भी या नहीं। तीसरी घंटी भी बज गई, दांत भी गिरने लग गए। कोई बात नहीं महाराज, आर्टिफिशियल दांत लगवाएंगे लेकिन भुट्टा जरूर खाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे है, क्या परवाह है, सब कुछ है, लेकिन चाहे कितना भी इन घंटियों से बच जाना, चौथा बजेगा मौत का घंटा, और बड़ी जोर से बजेगा, और जब बजना होगा तभी बजेगा, घंटियों को रोक सकते हो लेकिन जब मौत का घंटा बजेगा उसको कोई नहीं रोक पाएगा बंधु, कोई नहीं रोक सकता है। तो वो ग्राह, वो काल हम सबके लिए बैठा हुआ है, पैरों पर ही हमला करता है। और बंधुओं याद रखना, जब वो काल आकर पकड़ेगा तो उस समय कोई भी बचाने नहीं आएगा, ये सारा परिवार, परिवार के सारे लोग सब एक एक करके छोड़ जाएंगे, कोई नहीं आएगा। जितना भी संसार का संबंध है बंधुओं, जितने भी संसार के लोग हैं सब एक दिन छोड़कर जाएंगे। कहां तक साथ देंगे? बोले खाली शमशान तक साथ देंगे सब, वहां तो खूब कंधा देकर तुमको लेकर जाएंगे, वहां छोड़ के सब आ जाएंगे, वहां से आगे कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, एक दिन सब छोड़कर तुमको चले जाएंगे। यदि कोई ऐसा है जो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा तो केवल वो मेरे बांके बिहारी हैं, वो केवल परमात्मा हैं, जो पहले भी तुमको कभी नहीं छोड़ते थे और आगे भी कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए बंधुओं भगवान पर भरोसा करो हमेशा। गजेंद्र ने देखा कि परिवार के सब लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़कर, बच्चे जा रहे हैं, हथनियां जा रही हैं, सब भाई बंधु जा रहे हैं वहां से,
गजेंद्र चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया बचाने। अब तो गजेंद्र ने आस छोड़ दी कि इनमें से कोई अब लौट कर नहीं आएगा। तो गजेंद्र ने अब आकाश की ओर देखा, ब्रह्मा जी को पुकारा, आवाज लगाकर कहा कि जो इस सृष्टि को बनाते हैं वो मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी तुरंत तैयार हो गए कि चलो हमको बुलाया है। लेकिन तुरंत फिर गजेंद्र ने कहा कि जो इस संसार को मिटाते हैं वो मेरी रक्षा करें। भगवान शिव तैयार हो गए हैं कि शायद मुझे बुला रहा है। लेकिन फिर गजेंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, बोले जो सबकी आत्मा में बैठे हैं, जो सबके प्राण हैं, ऐसे वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मेरी रक्षा करें। सब पीछे हट गए कि ये बुलावा हमारे लिए नहीं आया है कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधि महि। सब पीछे हट गए कि अब तो गजेंद्र ने साक्षात भगवान हरि को, नारायण को बुलाया है। इत्थम गजेंद्रम सयदाप संकटम, संकट के समय प्रभु को याद किया है। देखो जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था ना, उस समय ठाकुर जी वैकुंठ में बैठे हैं और लक्ष्मी जी सुंदर थाली में 56 भोग सजाकर भगवान के लिए लाई थी। प्रभु के सामने थाली रखी, प्रभु आपिए प्रसाद पाइए। भगवान अभी एक ग्रास उठाकर मुख में डालने ही वाले हैं, उसी समय गजेंद्र की आवाज प्रभु को सुनाई दी। गजेंद्र पुकार रहा है, जो आवाज सुनी भगवान ने तुरंत सामने से थाली हटा दी प्रभु ने। लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान क्या बात हो गई, क्या आज भोजन में मिर्च या नमक ज्यादा तो नहीं हो गया, थाली क्यों हटा दी। भगवान बोले लक्ष्मी जी अभी बातें करने का समय नहीं है, अभी मुझे बहुत काम करना है। भगवान वहां से तुरंत दौड़ पड़े हैं बंधु। वैकुंठ के द्वार पर प्रभु जब आए, गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ आज हमको अपने भक्त की रक्षा करने के लिए चलना है, चलो हमारे साथ। तो जानते हो गरुड़ जी ने क्या कहा। गरुड़ जी बोले कि प्रभु आज मेरे पास टाइम नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे, आज गरुड़ जी को अभिमान हो गया। गरुड़ ने मन में सोचा कि देखो इस हाथी को, इस गजेंद्र को, इसने अपनी स्तुति में भगवान को तो कितनी बार पुकारा, लेकिन एक बार भी मुझे नहीं पुकारा, मेरा नाम नहीं लिया। मैं भी तो देखो मेरे बिना भगवान कैसे जाएंगे, क्योंकि ले जाने वाला वाहन तो मैं हूं। ये बात सोचकर गरुड़ को अभिमान हो गया है। भगवान से जब कहा कि आज प्रभु मुझे फुर्सत नहीं है, आप अकेले जाना हो तो जाओ, भगवान समझ गए कि आज मेरे भक्त गरुड़ को भी अभिमान हो गया है, कोई बात नहीं। तो गरुड़ तजी सिधारे, सूरदास जी कहते हैं, भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया और नंगे पांव ही वैकुंठ से प्रभु दौड़ पड़े हैं। और कितना तेज दौड़े थे, कितना जल्दी भगवान आए थे, ये भी संतों ने कहा कि हाथ पकड़ कमला कहे कहां जात यदुराज, तो हाथों कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज। जब लक्ष्मी जी ने पूछा था कि प्रभु आप कहां जा रहे हो हाथ पकड़ के, तो भगवान ने कहा था हाथी को बचाने जा रहा हूं। तो जानते हो कितना तेज भगवान दौड़े कि लक्ष्मी जी तो केवल हा ही सुन पाई। जब तक भगवान ने थी बोला, हाथी कहां था ना, लक्ष्मी जी केवल हा सुन पाई। जब तक भगवान ने थी बोला तब तक तो प्रभु गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए थे साक्षात। इतना जल्दी भगवान दौड़े हैं, इतना तेज प्रभु आए हैं। बंधुओं, गजेंद्र के सामने आकर जब भगवान खड़े हो गए, परमात्मा ने विलंब नहीं किया, तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है और उस चक्र ने उस ग्राह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया है। लेकिन ग्राह को भी मारने के बाद भगवान ने नरक में नहीं भेजा। भागवत में लिखा है कि वो ग्राह भी सीधे वैकुंठ गया, क्योंकि गजेंद्र के
चरण उस ग्राह ने 1000 साल तक पकड़े थे। एक दो दिन युद्ध नहीं हुआ था, प्रेम से कहो श्री राधे। भागवत में लिखा है 1000 साल निकल गए थे। धीरे धीरे वो गजेंद्र को अंदर सरोवर में लेके जा रहा था। 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ था दोनों का। तो भगवान ने आज मन में सोचा कि गजेंद्र को तो मैं मुक्त करूंगा ही, लेकिन पहले इस ग्राह को मुक्त करूंगा, क्योंकि गजेंद्र तो मेरा भक्त है लेकिन ये ग्राह तो मेरे भक्त का भी भक्त है, क्योंकि 1000 साल से मेरे भक्त के पैरों को पकड़ के ये बैठा हुआ है, तो पहले इसको मुक्त करूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो पहले ग्राह को प्रभु ने मुक्त किया, सीधे वैकुंठ भेज दिया। अब गजेंद्र की बारी आई है। गजेंद्र ने जब भगवान को देखा, आंखों से आंसू गिरने लगे गजेंद्र के, बड़ा प्रसन्न होने लगा कि प्रभु आप आ गए मेरे जैसे एक जानवर को बचाने के लिए, एक पशु को बचाने के लिए। हे भगवान, मैं आपको क्या दूं, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्या भेंट करूं, मैं नंगे पांव प्रभु आए हैं। तो गजेंद्र ने उसी सरोवर में से, जिस सरोवर में फंसा हुआ था, अपनी सूंड से उसी सरोवर में से एक कमल का फूल तोड़ा है और फूल लेकर भगवान को भेंट किया है। ठाकुर जी ने दोनों हाथों से गजेंद्र का वो फूल लिया बंधुओं, और फूल लेकर प्रभु गजेंद्र को स्पर्श करते हैं। जैसे ही स्पर्श किया तो गजेंद्र ने गजेंद्र की योनि छोड़ दी और दिव्य रूप को धारण करके सीधे भगवान के धाम पधारे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हरि भगवान की जय। ये प्रभु ने हरि अवतार लिया है। भागवत में इन दोनों का पूर्व चरित्र भी श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। बंधुओं, ये जो ग्राह है, ये ग्राह कौन है? पूर्व जन्म में हुहु गंधर्व सत्तमा, ये हुहु नाम का गंधर्व था ग्राह। और एक बार संत दैवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। ध्यान देकर सुनो, संत स्नान कर रहे थे नदी में, तो इस हुहु गंधर्व ने संत को डराने के लिए पानी में प्रवेश किया और पानी में अंदर जाकर एक मगर की तरह, ग्राह की तरह संत के पैर पकड़ लिए संत को डराने के लिए। संत घबरा गए। जब थोड़ी देर में देखा तो हुहु गंधर्व बाहर निकले, हंसने लगे। संत बोले, अच्छा, अरे गंधर्व, तू संतों से मजाक करता है, जा तू जैसा बन के आया है वैसा ही तू बन जा। शाप दे दिया और यही गंधर्व आकर ग्राह बन गया था। भगवान ने इसको मुक्त किया। और ये जो गजेंद्र है बंधुओं, ये गजेंद्र भी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार ये राजा बैठा हुआ था और संत अगस्त ऋषि पधारे थे। अगस्त ऋषि आए तो संत को देखकर राजा उठा नहीं, बैठा रहा ऐसे ही। ये मर्यादा नहीं है, कोई संत कोई महापुरुष आए तो हमको उठकर प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। अगस्त ऋषि आए और राजा बैठा रहा। संत को थोड़ा क्रोध आ गया, कहा कि इतना बड़ा राजा होकर संतों का आदर नहीं करता तू, जा हाथी की तरह बैठा हुआ है ना, तो हाथी की योनि में चला जा। अगस्त जी ने शाप दिया और ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा आकर गजेंद्र बन गया था। लेकिन संत के क्रोध में भी कृपा ही छुपी होती है। यदि संतों का क्रोध इन दोनों को नहीं मिलता तो भगवान की कृपा कैसे मिलती? संतों ने तो क्रोध किया था दोनों पर, लेकिन भगवान ने दोनों पर कृपा की। गजेंद्र को और ग्राह को, दोनों को ही अपने परम धाम की प्राप्ति भगवान ने कराई थी। बंधुओं, जो भगवान को पुकारता है, जो भगवान को बुलाता है, उसके लिए तो परमात्मा को आना ही पड़ता है। जिस जिसने भगवान को पुकारा है, जिस जिसने प्रभु को बुलाया है, भगवान उसके लिए आए हैं, आना पड़ा है भगवान को। तभी तो किसी ने कहा कि जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए तो प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, ओ प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, ओ हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े।
चले आए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, गाइए प्रेम से, तो प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, ओ हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, ओ भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, प्रहलाद ने था पुकारा, तो हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, गाइए हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, तो हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, कश्यप को आकर के मारा, कश्यप को आकर के मारा, तो हिरण कश्यप को आकर के मारा, हिरण कश्यप को आकर कैसे के मारा, ओ प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, ओ हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, दौड़े चले आए, ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से जाओ, मैं हूं